जनगण मन की अभिलाषा का अभिनंदन अपनी संस्कृति का आराधना अपनी भाषा का। आदरणीय प्रधानाचार्य महोदय, साथियों और प्यारों बच्चों, आज मैं सारिका प्रधान आपके समक्ष हिंदी दिवस पर अपने विचार प्रस्तुत करती हूँ। 14 सितंबर 1949 को विधानसभा में हिंदी को राजभाषा घोषित किया गया। तब से 14 सितंबर को हिंदी के रूप में मनाया जाता है। 2011 की गणना के अनुसार भारत में 93.6% लोग हिंदी बोलते हैं। भारत जैसे बड़े देश में जब आधिकारिक भाषाएं हैं तथा 700 से अधिक लोक भाषाएं हैं, वहाँ इतने बड़े जन समूह का एक भाषा बोलना बड़ी बात है। महात्मा गांधी ने भी हिंदी को आम जन की भाषा बताया था। अपनी भाषा की ओर हिंदी को सम्मान देना चाहिए और अंत में अपने शब्दों को इन पंक्तियों के साथ विराम देती हूँ। हिंदुस्तान की है शान हिंदी, हर हिंदुस्तान की पहचान है हिंदी, एकता की अनुपम परंपरा है हिंदी, हर दिल का अरमान है हिंदी। धन्यवाद। जो क्लास में बड़े मॉनिटर पूरी शान दिखाते हैं, पूरी शान दिखाते हैं। आता जाता कुछ भी नहीं, पर हम पर रौब जमाते हैं। जब क्लास में टीचर नहीं तो खुद टीचर बन जाते हैं। कॉपी पेंसिल लेकर बस नाम लिखने लग जाते हैं। क्या रखाएं आपसे, हाथ बनते हैं वे, गीत सूखे पर लिखे थे, बारने सब बह गए। धूप महंगाई गरीबी इश्क मुझसे कर रही थी, एक होती तो निभाता, तीनों मुझसे मर रही थी। मच्छर खटमल और चूहे घर मेरे मेहमान थे, मैं भी भूखा और भूखे, ये मेरे भगवान थे। आज की कविता का शीर्षक है आज क्या बनाऊं। एक दिन मेरी महबूब जी, आज क्या बनाऊं। फिर मैं बोला भागवा, गधा कल से बना था, मुर्गा कल बना था, तुम कहो तो आज शेर बन जाऊं। फिर वो बोली मैं पूछ रही आप क्या खाएंगे। मैं बोला चिमटा परसों खाया था, बेलन कल खाया था, आज तो छक्का मुक्की से काम चला लूंगा। एक दिन रस्ते में मुझे मिल गए हमराज, बोले बेटा तुम्हारे पापों का घड़ा भर गया आज। मैं बोला प्रभु मैं तो जलेबी का सीधा हूँ, क्यों मेरी शराफत पर उंगली उठा रहे हो। जरूर आपके कंप्यूटर में कोई वायरस है जो मुझ पर ऐसा आरोप लगा रहे हो। ध्यान से सुनिए मेरी भी क्या मजबूरी है, आजकल जीने के लिए गलत काम करना भी जरूरी है। युवराज बोले बेटा इस तरह जी न घुमाओ, इंसान तो तुम पहले ही हो, अब गले की तरह मत मिलना। चाहत चांद को पाने की थी लेकिन दिल किसी का दीवाना था। खबर न थी कुछ सुबह की न शाम का ठिकाना था, अब चलाना पर भी जाना था। माँ की कहानियाँ थी, परियों का फसाना था, बारिश में कागज की नाव थी, हर मौसम सुहाना था। रोने की वजह न थी न हंसने का बहाना था, क्यों हो गए हम इतने बड़े। धन्यवाद। कितनी अच्छी है, कितनी भोली है, कितनी सच्ची है माँ, तो कितनी अच्छी है, कितनी भोली है, कितनी सच्ची है। खून से अपने सींचा है तूने, खून से अपने सींचा है तूने, प्यार से अपने पाला है तूने। खून से अपने सींचा है तूने, प्यार से अपने पाला है तूने। गीले में सोकर सूखे में सुलाया तूने, नींद अपनी खोकर बहलाया है तूने। हिंदी है भारत वासी की शान, इसलिए इसका नाम है हिंदुस्तान। आओ कराओ तुम्हारी पहचान, साथ मिलकर करें इसका सम्मान। देश वही है हिंदुओं वाला, बच्चा बच्चा इसको जानो, जान सको तो जान पाओ, तभी सच्चे भारत वासी कहलाओ। हम सबकी है यह प्यारी, है यह सबकी न्यारी दुलारी,
कश्मीर से है कन्याकुमारी, भारतवासी वीर जंजारी, ऐसी है प्यारी राष्ट्रभाषा हमारी, शीर्षक है मेरी माँ। माँ और माँ का प्यार निराला, उसने ही है मुझे संभाला, धरती पर भगवान का रूप होती है माँ, दुनिया में सबसे कीमती चीज होती है माँ। माँ तो है जन्नत का फूल, प्यार करना तो उसका वसूल, दुनिया की मोहब्बत फिजूल, माँ की है दुआ कबूल। घुटनों से रेंगते रेंगते कब पैरों पर खड़ी हुई, तेरी ममता की छांव में न जाने कब पड़ी। जैसा भूजन खाइए तैसा ही मन हो, जैसा पानी पीजिए तैसी वाणी हो, रे कबीरा तैसी वाणी हो। इस दोहे में संत कबीरदास जी यहाँ कहना चाहते हैं कि जैसे शुद्ध सात्विक आहार और जल से हमारा मन और वाणी दोनों पवित्र होते हैं, उसी प्रकार अच्छी संगति से मनुष्य भी वैसा ही हो जाता है। अर्थात कबीरदास जी कहते हैं कि खजूर के पेड़ के समान बड़े होने का क्या लाभ, जब वह न किसी को छाया दे सकता है और न ही उसके फल सुलभ होते हैं, अतः उसके फल छोड़े भी नहीं जा सकते। हिंदुस्तान मेरा है, ये हिंदुस्तान मेरा है। जय हिंद, जय भारत।